ये देख सकते हैं आप, पाउडर डाला है इसके अंदर और थोड़ा हम दूसरा भी इसके अंदर पाउडर डाल देंगे। एकदम इजी और आसान रेसिपी है इसका, ये आप देख सकते हैं। अभी हम हमारा जो फ्लेवर मिक्सचर मशीन है स्टार्ट कर देंगे, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से इसको ब्लेंड हो रहा है, फ्लेवर को मिक्सिंग हो रहा है अच्छे से, बेहतर क्वालिटी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल, आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमने कल के दिन में स्प्राइट टाइप का लाइम अप का फ्लेवर बनाया था, उसके पहले दिन जीरा मसाला बनाया था, और आज हम रेडबुल टाइप का, एनर्जी ड्रिंक टाइप का, आरबुल का फ्लेवर बना रहे हैं दोस्तों। तो इसकी भी वीडियो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और ये वीडियो के अंदर आपको फ्लेवर भी बनाना बताएंगे कि फ्लेवर कैसे बनता है, आपके सामने उसको फिलअप करेंगे, आपके सामने मशीन में से निकाल के आपके सामने प्रोडक्शन करके बताएंगे। तो इस टाइप का आरबुल का, इस टाइप का बोतल तैयार है, आप देख सकते हो स्टिकर लग के इसके ऊपर आरबुल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो आरबुल बाजार में रेडबुल मिलता है, 120 रुपए का एल्यूमिनियम का टिन मिलता है 250 ml का दोस्तों, तो इस टाइप का जो हम 200 ml का ड्रिंक है, ये अपने को बनाने का खर्चा 4.5 रुपए में लैंडिंग आता है दोस्तों। जैसे कि बाकी सब फ्लेवर बनती है वही हिसाब से 4.5 में लैंडिंग आता है, और 10 रुपए में रिटेल प्राइस में सेल करना है। इसमें दोस्तों एनर्जी नहीं होता है, लेकिन सेम टेस्ट मिलता है, रेडबुल का सेम टेस्ट मिलेगा इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। तो इसका हम आपको पूरी डिटेल और पूरी जानकारी देंगे। हमने यहाँ पे फ्लेवर मिक्सचर मशीन डाला है, इसके अंदर हमने पानी लगाया है, पानी भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर हम फ्लेवर डाल के इसको मिक्सअप करेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्लेवर्स डालेंगे, आप देख सकते हैं, कातर लीजिए। सबसे पहले हम फ्लेवर्स डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं फ्लेवर्स है, जो आरबुल टाइप का फ्लेवर है वो फ्लेवर डालेंगे। एज द रेसिपी के हिसाब से हमने पानी ले लिया है पहले इसके अंदर, फ्लेवर्स डाल दिया, उसके बाद हम इसका पैकेट डालेंगे पाउडर का। ये ड्रिंक हम हमारे कस्टमर के लिए, सैंपल के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स है, जो कस्टमर इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके लिए हम सैंपल बना रहे हैं कि आप घर बैठे इसको टेस्ट कर सको, चिल्डनेस ठंडा करके पी के टेस्ट कर सको, इसके लिए मैं ड्रिंक तैयार कर रहे हैं आपके लिए। तो अभी हम आपको इसका फ्लेवर भी बना के इसका प्रोसेसिंग बताएंगे। फ्लेवर इसके अंदर बाउल में फिल करके, मशीन में लगा के, मशीन में से निकाल के, सोडा का प्रोडक्शन बना के आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको प्रोडक्ट किया जाता है हमारी बोतल फिलिंग प्लांट के अंदर। ये हमारा स्टार्टिंग मॉडल है, DA 200 मॉडल से, इसके बाद बहुत सारे अलग अलग भी मॉडल्स है। ये देख सकते हैं आप, पाउडर डाला है इसके अंदर और थोड़ा हम दूसरा भी इसके अंदर पाउडर डाल देंगे। एकदम ईजी और आसान रेसिपी है इसका, ये आप देख सकते हैं। अभी हम हमारा जो फ्लेवर मिक्सचर मशीन है स्टार्ट कर देंगे, ये आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से इसको ब्लेंड हो रहा है, फ्लेवर को मिक्सिंग हो रहा है अच्छे से, बेहतर क्वालिटी से। ये रोड निकल चुका है इसका, हम इसको अच्छे से गाल लेंगे, इसके अंदर छान लेंगे पूरा अच्छे से, इसको बाउल को निकाल लेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं पूरा। ये आप देख सकते हैं, हमने पूरा अच्छे से इसको गाल रहे हैं इसको। ये रेडी हो चुका है अपना फ्लेवर, न जाओ जी साइड में, ये आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है अपना फ्लेवर। अभी हम इसका जो पाइप है इसके अंदर लगा देंगे, जो पाइप रहता है सकिंग लाइन इसका, ये पानी में से निकाल के फ्लेवर में सीधा हम लगा देंगे। और यहां से लाइन में से हम उसको निकाल लेंगे फ्लेवर को। पहले वाटर हमने डाला, इसलिए पहले वाटर आ रहा है इसके अंदर से। ये फ्लेवर भी आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आरबुल का हमने फ्लेवर डाला है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है आना। और
और मशीन का भी कूलिंग आ चुका है, वन नंबर टेम्परेचर आ चुका है यहाँ पे एक नंबर का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसमें से हम सोडा और सिरप को सेट कर लेंगे। रेड बुल का ड्रिंक हमने लाइन में तो ले लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ये 200 ml का बोतल में आपको स्वीटनेस कितना रखना है, जैसे कि 200 ml का बोतल है तो 160 ml सोडा लगाना है, 40 ml सिरप लगाना है। अगर आपके मार्केट में स्वीटनेस कम पीते हैं तो 165 ml सोडा लगाना है, 35 ml सिरप लगाना है। ये आपके मार्केट टेस्ट के ऊपर है कि कैसा आपको टेस्ट लोगों को देना है, स्वीट ज़्यादा देना है कि स्वीट कम देना है। तो अभी हम इसके अंदर 160 ml सोडा डालेंगे और 40 ml सिरप डाल के आपको फिलअप करके बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे सोडा फिलअप होगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिरप का लाइन है, हम रेड बुल का सिरप भरेंगे इसमें, आर बुल का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैपिंग मशीन है, यहाँ पे ढक्कन का बॉक्स है, कैप का बॉक्स है, जो कैप रहता है, हम कैप का बॉक्स इसमें लगाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कैप हो गया है। रेडी हो चुका है आपका ड्रिंक, रेडी हो के यहाँ पे बाउल में डाल देना है आपको रेडीमेड करके, वही हिसाब से हम दूसरा ड्रिंक बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दूसरा रेडी हुआ है। उसके बाद हमें तीसरा बनाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम फोर्थ डालेंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे लाइन टू लाइन आपको प्रोडक्शन लेते जाना है, एक घंटे से 200 से 250 बोतल का प्रोडक्शन आसानी से ले जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका कलर भी देख सकते हैं, आर बुल का कलर भी देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो के अंदर आपको क्लीन और दिखाया जा रहा है ये कलर। और इसको हम खोल के भी आपको बताएंगे इसका स्ट्रॉन्गनेस पावर, आप देख सकते हैं पूरा, तो पूरा बबल सारा है इसके अंदर, देखिए पूरा तो बबल सारा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद मैं आपको एक प्लेन सादा सोडा भी दिखाता हूँ आपको, ये प्लेन सादा सोडा इसमें से फिल किया जाता है। अगर आपको किनली और लहर टाइप का प्लेन सोडा भी फिल करना है तो आप इससे कर सकते हो, किनली और लहर टाइप का प्लेन सोडा है, इसका स्ट्रॉन्ग भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसके अंदर, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरा। और दोस्तों इस टाइप का ड्रिंक रेडी होने के बाद आपको अगर बंच पैकिंग बनाना है तो इस टाइप का बंच भी बना सकते हो, आप देख सकते हैं पूरा, ये बंच बना के रेडी रखा हुआ है हमने, 24 पीस का बंच है ये, बंच पैक होके आपको मार्केट में जाएगा आपको सेलिंग के लिए। मशीन आवे इसने, ये आप देख सकते हैं 25-24 पीस का बंच बना के पैकिंग करके आपको सेल करना है मार्केट में, तो इस टाइप का बंच बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको इस टाइप का मशीन इंटरेस्टेड है, अगर आपको इस टाइप का मशीन लेना है दोस्तों, तो एक बार आप हमारी कंपनी में से कांटेक्ट करके मशीन की डिटेल जानकारी भी पाई है और हमारे से सैंपल्स भी मंगाए, हम आपको 3-4 अलग अलग फ्लेवर का सैंपल देंगे। जैसे अभी हमने आरबुल उतारा है, उसके पहले हमने लाइम अप उतारा था, उसके पहले हमने जीरा मसाला बनाया था, किडनी लेफ टाइप का प्लेन सादा सोडा भी है, टोटल हम 4 अलग अलग ड्रिंक आपको सैंपल के लिए आपके घर पर भेजेंगे कुरियर के एड्रेस से। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ये बैठे बैठे घर पर टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इस टाइप की मशीन लेने के लिए ज़्यादा जानकारी डिटेल के लिए आप हमारी कंपनी के नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके हर एक डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।